सोने दिया सिफत पिया कर दमाना मेरे आका दिया सिफत पिया कर दमाना मेरे आका दिया सिफत पिया कर दमाना मुख आका द इंज दिसदा जिमें हुसन खजाना मुख आका द इंज दिसदा जिमें हुसन खजाना मेरे आका दिया सिफता पिया कर दमाना रब कसम उठाया ने विच कुरआन दे आयाने रब कसम उठाया ने विच कुरआन दे आयाने सब सोने तो सोना हसनैन दनाना सब सोने तो सोना हसनैन दनाना मेरे आका दिया सिफता पिया कर दमाना चन वर्गा क्यों आखा में सारी दुनिया जान दिए चन वर्गा क्यों आखा में सारी दुनिया जान दिए मेरे कमली वाले दा ओ चन भी दीवाना मेरे कमली वाले दा ओ चन भी दीवाना सब सोने तो सोना हसनैन दनाना अबू बकर उमर दी की शान सुनावा तेनू अबू बकर उमर दी की शान सुनावा तेनू मेरे आका दिया कदमां मेरे सोने दिया कदमां विच दोवां दा टिकाना मुख्तसर हमदो सना और दुरूदो सलाम के बाद मेरे मोहतरम भाइयों दोस्तों बुजुर्गों पर्दे अंदर बैठ के सुनने वाली मेरी मुअज्जजात मुकर्रमात इस्लामी रूहानी माओ और बहन अल्लाह रब्बुल आलमीन दा एहसान अजीम है कि जिस रब्बुल आलमीन ने सानू इंसान बनाया और मुसलमान बनाया मैं अपने मालिक व खालिक अल्लाह रब्बुल आलमीन दा इंतहाई ज़्यादा शुक्र गुज़ार हूँ कि जिस रब्बुल आलमीन ने अपनी तौफीक ख़ास नाल वादा वफा करन दी तौफीक अता फरमाई और अपने उन अहबाब दा भी
शुक्र गुजार हाँ जिन्होंने कुरान और सुन्नत दियां बातां सुनन और सुनाने वास्ते पहली मरतबा तुहाडे इस गाँव तुहाडी आबादी अंदर हाजिरी का मौका दिता। अल्लाह ताला मेरे अहबाब दियां मेहनतां कोशिशां काविशां अपनी बारगाहे आलियां तो कबूल फरमा ले। मोहतरम गुलाम रसूल साहब, डॉक्टर हारून रशीद साहब, इस मस्जिद की इंतजामिया मुआमिनीन मुंतजमीन बिलखसूस भाई शाहिद मिठू साहब शायर इस्लाम, अल्लाह तमाम की मोहब्बत कबूल फरमा ले। मेरे तो पहले मेरे बरादरान ने बड़े ही जानदार और शानदार खिताबात फरमाए। अल्लाह इन नौजवान खुतबा दे इल्म अमल अंदर जूरे बयान अंदर बरकत फरमाए। तुसी जितने अहबाब अपने नरम और गर्म बिस्तर छोड़ के अल्लाह दे घर च अल्लाह दी रज़ा वास्ते तशरीफ लैके आए हो, अल्लाह तुहाडा सारयां दा आना कबूल फरमा लै। और तुहाडी इस मस्जिद दे साबका इमामो खतीब मोहतरम अताउल्ला मरहूम रहमतुल्ला अलैह, अल्लाह ताला उन्हां दी मगफरत फरमाए। हजरात मौजूदा सूरत हाल तुहाडे सामने, फ्रांस दे कुछ लाइन लोगों ने नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दी शान अकदस दे अंदर गुस्ताखी की। अकाली ही सलातो सलाम दे कार्टून बना के आप दे खाके बना के उन्होंने अपनी इमारतों ते लटकाए, फिर उन्होंने दी नुमाइश की। ये बात ज़ेहन नशीन कर लो, अल्लाह ताला दा ये कानून है, आज नहीं नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दी हयाती तय्यबा तो लेके आज तक जिस बंदे ने भी हुजूर आका अलैहि सलातो सलाम दी शान अकदस दे अंदर गुस्ताखी की, अल्लाह ताला ने उस बंदे नू इबरत दा निशान बनाया। कुरान मजीद अंदर इहदे बहुत सारे दलायल मौजूद। अल्लाह ने खुद हुजूर दी हुरमत दा दिफा किया। मिसाल दे तौर पर मुशरकीन मक्का ने नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम नू मजनू और दीवाना कहना शुरू कर दिता सी। पहले सादिक और अमीन कहंदे सन, जदों हुज़ूर ने अल्लाह दी वहदानियत बयान की थी फिर वो मजनू ते दीवाना कहन लगा कि ये नवा आया सानू बाप दादे दे दीन तो हटाण वास्ते, आंदा ना लात मनो ना मनात मनो ना उज़्ज़ा ना हुबल, बस एक अल्लाह नू मन। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम परेशान होए, या अल्लाह ये तो मैनू मजनू कहन लग पा। अल्लाह ताला ने दिफा फरमाया, फरमाया नून वल कलम वमा यस्तुरून मा अंत बिनिअमति रब्बिका बिमजनून। सुनिया तुसी क्यों घबराते हो, सानू कसम है कलम दी, इहदे नाल जो अल्लाह के फरिश्ते तहरीर करते ने सानू दी कसम है, असी अपने फजल नाल तुहानूं मजनू बनाया ही नहीं, असी तुहानूं बड़ा अजर अजीम अता करना है, असी तुहानूं खुलके अजीम दा पैकर बनाया। फिर एक मौका आया, आका अलैहि सलातो सलाम दा साहबजादा मेरे नबी दा बेटा वफात पा गया। मक्का दी सरजमीन है, मुशरकी ने मक्का ने फिर ताने मारने शुरू कर दिए, लो जी अपने आप नूं अल्लाह दा नबी कहिंदा है ते इहदा ते पुत्तर ही फौत हो गया, तो जिदा बच्चा ही कोई ना हो दुनिया अंदर ओदी तो जद खत्म हो गई। अस्तगफिरुल्लाह मेरे नबी नू कहन लगे भी इन्हों का जिक्र कोई नहीं करेगा, इन्हों की जद खत्म हो गई। नबी पाक फिर परेशान हो, अल्लाह तू बेटा दिता सी तू वापस बुला लिया, मैं तेरी रजा ते राजी हाँ, पर मुशरकीन मक्का मक्के दे चौधरी मैनू ताने मार दे। अल्लाह ताला ने फिर दिफा किया, फरमाया इन्ना आतैना कल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। सुनिया तुसी क्यों घबराते हो,
असी तुहानूं हौज़े कौसर दा मालिक बनाया। तुसी क्यों घबरांदे हो महबूबा? बस तुसी नमाज पढ़िया करो और तुसी कुरबानी करिया करो। ये जिहड़े तुहानूं कहिंदे ना तुहाडा नाम लैण वाला कोई नहीं होना, मैं इहनां दीआं नस्लां मुका छड्डां, इहनां नूं मैं जलील कर दियांगा जमाने अंदर। फिर वो जलील होए। उतबा शहबा अबू जाल अबू लाभ कौन उन्हां दा नाम लैंदा जी? कोई लैंदा तो चंगे लफ्ज़ां च नहीं लैंदा। अल्लाह ने मेरे नबी दे गुस्ताख नूं जलील कीता दुनिया अंदर, आखरत ते फिर अज़ाब है। नबी पाक अलैहिस्सलाम दा रिश्ते अंदर सक्का चाचा या ताया सी अबू लाभ, सरदार सी मक्के दा, ते शक्लों वेखण नूं सोहणा भी बड़ा सी। कई बंदे उत्तों बड़े सोहणे होंदे ने ते विचों परले दर्जे दे कोड़े होंदे, इहदा भी हाल है। दुआ करिया करो अल्लाह सानू अंदरों सोहणा बना दे। वो अंदरों बड़ा कोड़ा सी। एक दिन ना नबी पाक अलैहिस्सलाम नूं कहण लगा, तब अल्लाह का या मुहम्मद अस्तगफिरुल्लाह। कहिंदा जिहड़े हथ नाल तू इशारे कर करके कहिंदा ना भी अल्लाह इको ही है, ते साडे बुतां दी नफी करना, तेरा हथ जाया हो जाए, अस्तगफिरुल्लाह। मेरे नबी नूं कह। अल्लाह ताला ने फिर कुरान नाजल किया, तब्बत यदा अबी लहबिम व तब मा अगना अनहु मालुहु व मा कसब। सुनिया तुसी घबराना नहीं, इन्हें एक हथ की गल की मैं दोवें बर्बाद कर छे, और ऐसा इबरत का निशान बनावांगा इनू। फिर जो वक्त आया ना चौधर काम आई तो ना हुसन काम होया। जो अबू लाभ मरिया सी ना, सके पुत्रा दफनाया नहीं सी, जिसम च कीड़े पै गए सन। मेरे नबी दे गुस्ताख नूं अल्लाह ने माफ़ नहीं करना, और इंशाअल्लाह वो दिन अन करीब आएगा कि फ्रांस दे कुत्ते भी इबरत दा निशान बनेंगे। ते मैं तो दुआ करदा फिर ना अजकल हर गुफ्तगू च रोज़ाना, या अल्लाह वो फ्रांस दे जिहड़े लईन ने उन्हां नूं साडी जिंदगी च इबरत दा निशान बना, जमाना वेखे कि उन्होंने किवें तू तबाहो बर्बाद किया मेरे नबी दे गुस्ताख। अच्छा ये अल्लाह की जिम्मेदारी, अल्लाह साढ़े को कम लै ले, अल्लाह उन्होंने खुद नहीं बढ़ साड़ियाँ। कुछ एज ए मुसलमान और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती और हजूर का मुहिब होने के नाते साड़ियाँ कुछ जिम्मेदारियां बनदियां जिहड़ियां सानू निभानी चाहिए। तुसी समझदार और पढ़े लिखे लोग हो, अहले तौहीद लोग हो, डाका उदों पैंदा है जदों घर वाले सुते हो। आपां थोड़े जे बेदार हो जाइए, किसी की जरूरत ही नहीं साडे नबी के खिलाफ भौंक जे, असी सुते पए आ, साडे जागन की जरूरत। अज की गुफ्तगू अंदर मैं तुहाडे नाल दो गल्लां करनियां, बड़िया जिम्मेदारियां ने पर दो निभा लो ना, सिर्फ दो, कोई बंदा तुहाडे नबी के खिलाफ नहीं बोले। पहली जिम्मेदारी ये वे कि वो बकवास करते ने तुसी महबूब दियां तारीफां करिया करो। वो नबी पाक अलैहिस्सलाम दे बारे लोगों गलत फहमियां पैदा करते ने, तुसी हजूर दियां सिफतां सुनाओ लोगों। इत्थे बंदे नूं किसे नाल मुहब्बत हो जाए, किसे बंदे नाल दोस्त नाल यारी लग जाए किसे नाल, ते कोई बंदा कहे तू पागल है एवें उंदे नाल ही फिरी फिरदा रहिना, वो की लभ्या तैनूं उंदे विचों, ते बंदा को कहिंदा छड इस गल नूं, तैनूं नहीं पता मेरे यार च केड़ियां केड़ियां क्वालिटियां पाईयां जांदियां, और मैं एवें नहीं उन्दे नाल मुहब्बत प्या करदा, उन्दियां सिफतां बड़ियां सोहणियां, उन्दे अंदाज बड़े निराले ने, ते मेरे नबी तो वध के केड़ी शख्सियत है जिन्दियां सिफतां कमाल दर्जे दियां होण, ते तुसी क्यों नहीं बयान करदे हुज़ूर दियां सिफतां, बयान हुज़ूर दे अखलाकियात बयान करो। दूसरे नंबर ते नबी पाक दी तालीमात नूं अपनाओ। हुज़ूर ने जिहड़े सानूं दरस दिते सबक दिते उन्हां नूं अपना लो। मसला तो यह ना भी आपां खुद ही अमल वाले पासे नहीं आते, उन्हां नूं जरूरत मिलती इस गल तो भी ये मनदे ने दावे करदे ने मुहब्बत दे, ते नबी दा जिहड़ा फरमान है उन्हूं मनदे तो है नहीं, उहदे ते अमल तो करदे ही कोई नहीं करदे। इत्थे बाजार च निकल के नारा मार देंदे ने हुरमत रसूल, ते जान भी कुरबान है, जान इन्हें घटा कुरबान करनी है, चेहरे दे चार वाल दाड़ी दे कुरबान नहीं कर सके।
हुरमते गुलामी रसूल अंदर मौत भी कबूल है, घटा मौत कबूल है, जे तुसी सलवार ही टखने तो उच्ची नहीं रख सके। वो इन्हां चीज़ां नूं नोट करते ने, अगले वेखते ने भी इन्हां दे ईमान का बेड़ा गर्क होया पे, हुण जो मर्जी कह लो। भाई अपना ईमान सही करो, मेरे नबी दी तालीमात नूं अपनाओ और अगे फैलाओ लोगों तक। ए दो काम करो, दो काम। आओ जरा मैं अज तुहानूं सिफात मुस्तफा तालीमात मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो गल्लां तुहाडे नाल करनियां ने, सुन लो तवज्जो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐलान फरमाया, खालके कायनात दा कुरान इस बात दा ऐलान करदा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमांदे ने, या अय्युहन नबी इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबशिरन व नज़ीरा वदाइयन इलल्लाह बिइज़्निही व सिराजन मुनीरा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मेरे महबूब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दे सीने पाक ते कुरान नाज़िल फरमाया। अल्लाह फरमांदे ने, ए कमली वालिया सोहणिया महबूबा, ए मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम सोहणिया, असां तुहानू नबी बनाया। या अय्युहन नबी, ए मेरे नबी, ए मेरे पैगंबर। आओ हुण तवज्जो करना, मैं हुजूर दियां सिफतां बयान करना चाहना, मैं नबी पाक दे औसाफ हमीदा बयान करना चाहना, मैं नबी पाक दी तालीमात नूं बयान करना चाहना, मैं अल्लाह दे रसूल दे पैगामां तुहाडे तक पहुँचाना चाहना। बड़ी तवज्जो नाल समात फरमा लो, मेरे नबी दे सिफाती बेशुमार नाम ने, कुछ अल्लाह दे कुरान अंदर मौजूद ने और कुछ मेरे नबी दे फरमुदाब दे अंदर मौजूद ने। मेरे नबी दे जाती दो नाम, एक मेरे नबी का नाम मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम और एक मेरे नबी का नाम अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐ दो नाम मेरे नबी दे जाती नाम ने, बाकी मेरे नबी दे सिफाती नाम ने। अल्लाह अकबर, मेरे अल्लाह का प्यार मेरे नबी नाल, अल्लाह की मुहब्बत मेरे नबी नाल, अल्लाह की अकीदत मेरे पाक पैगंबर दे नाल। पूरा कुरान पढ़ के वेखो, सारे कुरान का मुतालिया करके वेखो, अल्लाह ताला ने जिथे भी मेरे नबी नूं मुखातिब किया, जिथे मेरे पाक पैगंबर नाल गल की, अल्लाह ताला ने मेरे नबी नूं एक जगह ते भी या मुहम्मद नहीं आख्या, या अहमद नहीं आख्या। मेरे नबी दे जाती नाम तो मेरे नबी नूं अल्लाह ने मुखातिब ही नहीं किया। जिवें मां नूं अपने बच्चे नाल प्यार बड़ा आउंदा है, मां नूं अपने बच्चे नाल मुहब्बत बड़ी आउंदी है, मां घर दे अंदर कम भी करदी है, ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੇਡਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸੁਭਾਅ ਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਅਬਦੁਰਰਹਿਮਾਨ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮਾਂ ਦੇ ਇਲਮ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਅਬਦੁੱਲਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਮਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕਰੀਬ ਬੁਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਮਾਂ ਅਬਦੁੱਲਾ ਕਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦੀ, ਮਾਂ ਬਹਿਮਾਨ ਕਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦੀ। ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ, ਮੇਰਾ ਸੋਹਣਾ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੇ ਕਰੀਬ ਆ ਜਾ, ਮੇਰਾ ਚੰਨ ਵਰਗਾ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੇ ਕਰੀਬ ਆ ਜਾ, ਮੇਰਾ ਲਾਡਲਾ ਬੇਟਾ ਮੇਰੇ ਕਰੀਬ ਆ ਜਾ, ਮੇਰਾ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੇ ਕਰੀਬ ਆ ਜਾ, ਮੇਰੇ ਜਿਗਰ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਮੇਰੇ ਕਰੀਬ ਆ ਜਾ। ਮੁਹੱਬਤ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ, ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਅਕੀਦਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਨਾਮ ਵੀ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੰਝ ਹੀ ਮੇਰਾ ਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਬੜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਨਾਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੋਹਣੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਿਬ ਫਰਮਾ ਰਹੇ। ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਤੁ ਵਸਸਲਾਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਜੂਦ ਦੇ ਹੱਥਰ ਤੇ ਇੱਕ ਚਾਦਰ ਉੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਯਾ ਅਯੂਹਲ ਮੁਜ਼ੰਮਿਲ
उम्मील किते मेरे पैगंबर ने कंबल ओढ़िया। अल्लाह फरमांदे ने या अय्युहल मुद्दस्सिर, रब्बुल आलमीन मेरे नबी दियां सिफतां बयान कर दे और सोहणे सोहणे नाम फरमाए। ऐ मुज़म्मल दी चादर ओढ़न वालिया, ऐ मुद्दस्सिर दा कंबल ओढ़न वालिया, ऐ मेरिया सोहणिया महबूबा, ऐ मेरे सोहणे नबी, किते अल्लाह फरमांदे ने लाकद जामा मंगा أقم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما أنتم حديث عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم الله تعالى میرے نبی دیاں صفتاں بیان کر رہے نے جڑیاں تاں میں آغاز اندر پڑھیاں۔ اللہ فرماندے نے شاہدًا ومبشرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا۔ اللہ فرماندے کتے میرے نبی نو مولا شاہد پہ آ دے، کتے میرے نبی نو مبشر پہ آ دے، کتے میرے نبی نو نذیر پہ آ دے، کتے میرے نبی نو اللہ اکبر داعی اللہ پہ آ دے رہے، کتے میرے نبی نو سراج منیر پہ آ دے۔ اللہ تعالیٰ دی محبت تے میرے مولا دا کرم، میرے نبی ایڈا پیار اللہ رو، اللہ دے بندے تو ہی میرے نبی دیاں صفتاں بیان کریا کر، میرے نبی دی اوصاف حمیدہ، میرے نبی دے اخلاقیات لوگاں دے سامنے رکھیا کر۔ اللہ اکبر، اج میں نبی پاک دیاں صفتاں تینوں سنانا چاہنا، میری کی حیثیت ہے، میری کی اوقات ہے، میری کیڑی قدر ہے کہ میں نبی پاک علیہ السلام دیاں صفتاں بیان کرن دا حق ادا کر جاواں؟ نہیں نہیں، میرے نبی دیاں صفتاں ایڈیاں پیاریاں نے کیا سبحان والے رب نے قرآن اندر بیان کیتیاں۔ اللہ کو اکبر، ایڈیاں پیاریاں صفتاں۔ چلو میں آغاز اندر ہی تانوں ذرا بیدار کراں، تانوں شعار کرن واسطے محبت دا ترانہ بولا۔ میں نہ محمد دیاں کی میں صفتاں سناواں، محمد دیاں کی تعریفاں سناواں، نبی جی دیاں کی میں صفتاں سناواں، ہاں آقا دیاں کی تعریفاں سناواں، او دی سونی سیرت تو قربان جاواں، او دی سونی سیرت تو قربان جاواں، نبی جی دیاں کی تعریفاں سناواں۔ صفتاں سن لو نبی پاک دیاں صفتاں۔ بڑا ظلم مکے دے ظالم کماندے، راواں دے وچ سن جو کنڈے بچھاندے، ہاں راواں دے وچ سن جو کنڈے بچھاندے، ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸੋਹਣੇ ਨੇ ਮੰਗੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਉੱਚੀ ਕਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਜ਼ਾ ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਵੀ ਗੱਲ ਦਿਲੋਂ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੀ ਮਜ਼ਾ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰਲੇ ਪਾਈ ਜਾਂ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਮੈਂ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ ਸ਼ਾਨ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਿੰਨਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਹੜੀ? ਕਿਉਂ ਜੀ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਇਦਾ, ਨਾ ਪੜ੍ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ। ਮੁਹੰਮਦ ਦੀਆਂ ਕੀ ਮੈਂ ਸਿਫਤਾਂ ਸੁਣਾਵਾਂ, ਨਬੀ ਜੀ ਦੀਆਂ ਕੀ ਤਾਰੀਫਾਂ ਸੁਣਾਵਾਂ, ਨਬੀ ਜੀ ਦੇ ਰੋਜ਼ੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਬਰਸਦੀ, ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਰੋਜ਼ੇ ਤੇ ਮੱਕੀ ਦੇ ਰੋਜ਼ੇ ਤੇ ਮਦਨੀ ਦੇ ਰੋਜ਼ੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਬਰਸਦੀ, ਤੇ ਦੀਦਾਰ ਜਿਸ ਦੇ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਤਰਸਦੀ, ਦੀਦਾਰ ਜਿਸ ਦੇ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਤਰਸਦੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਜੂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵਸਾਵਾਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਜੂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵਸਾਵਾਂ, ਨਬੀ ਜੀ ਦੀਆਂ ਕੀ ਮੈਂ ਸਿਫਤਾਂ ਸੁਣਾਵਾਂ, ਉਹਦੀ ਸੋਹਣੀ ਸੀਰਤ, ਉਹਦੀ ਸੋਹਣੀ ਸੀਰਤ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾਂ। ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਅਲਿਹਿ ਵਸੱਲਮ। ਹਜ਼ਰਾਤ ਨੂੰ ਤਵੱਜੋ ਕਰਿਆ ਜੇ, ਕੱਚੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਓ, ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮੇਰੀਆਂ ਚੰਦ ਬਾਤਾਂ ਸਮਾਪਤ ਫਰਮਾ ਲਓ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਿਫਤਾਂ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਸਿਫਾਤ ਮੁਸਤਫਾ,
تعلیمات مصطفیٰ اللہ فرماتے ہیں یا ایوہ النبی انا ارسلناک اے میرے سونے نبیاں انا ارسلناک سونے میں کلایا تنو میں دنیا اندر میں تنو رسالت عطا کیجیے میں دنیا اندر پھیلے اس جملے اندر بھی بڑا پیار دے اس کلمے دے اندر بھی بڑی محبت دے انا ارسلناک اللہ فرماتے نے دو مرتبہ اللہ فرماتے نے میں بھیجیا میں کلایا میں بابا جی شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ تیرے شیخو پورے دا اللہ دا ولی بابا محمد حسین شیخو پوری رحمت اللہ علیہ یہ جملہ پڑھیا کر دے دے بڑے پیار دے بول بول دے کہندے اے ویکھو اللہ فرماتے نے انا ارسلناک اے سونیا محبوبا میں کلایا تانوں میں دنیا اندر کلایا تے نال مثال دیندے سن عورت گھر پکاندی ہے نا ہانڈی تے روٹی پکا کے اپنے خاون دے سامنے رکھ دیے لے وی کرم والے کھا لے وہ کھا لیندا تے پھر پوچھدی سناؤ کیسا پکیا وہ کہندا اج بڑا مزہ ہے بڑا سونا پکاندی میں پکایا ہی میں اے میں پکایا پکایا تے اکو وار ہے نا تے کہندی دو وار میں پکایا ہے میں اللہ فرماتے نے اتنا ارسلنا کا سونے محبوبا میں کلایا تنو میں دنیا اندر میں رسالت عطا کی اللہ اکبر گل توجہ نال سنوا لیے اللہ فرماتے نے اتنا ارسلنا کا شاہدا سونے محبوبا اسی تنو کلایا دنیا اندر اور اسی تنو شاہد بنا کے بھیجے شاہد اللہ اکبر اس صحت دے اندر پہلی صفت میرے پاک نبی دی اللہ فرماتے نے شاہد بنایا شاہد دا مانا گواہی پیش کرنے والا شاہد دا مانا شہادت دین والا فرمایا سونیا اساں تانوں شاہد بنا کر کے بھیجے میرے نبی دنیا تے آ گئے اللہ دی زمین تے آ کے میرے نبی نے اللہ دی وحدانیت دی گواہی پیش کی تھی میرے نبی نے شہادت پیش کی تھی میرے نبی نے مشرکین مکہ نوں آ کر کے دسیا او مکے والے او گل سنو نا اللہ اکبر اللہ دا کوئی شریک نہیں گے اللہ وحدہ خدا شریک مشرکین مکہ اے لات میرے اللہ دل نہ ملایا کرو مناتم اللہ دل نہ ملایا کرو اللہ ہی کوئی پوری کائنات دا خالق و مالک قل ھو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد اللہ دا کوئی ثانی نہیں ہے اللہ دے کوئی مد مقابل نہیں ہے اللہ پوری کائنات دا خالق و دادا پوری کائنات دا راضی کو داتا ہے میرے نبی نے گواہی پیش کی تھی کبھی اللہ دے گھر بیت اللہ وچ کھڑ کے گواہی پیش کی تھی کبھی صفا پہاڑی تے چڑھ کے گواہی پیش کی تھی کبھی نیف دی بستی وچ وڑ کے گواہی پیش کی تھی میرے نبی گواہ بن کے آئے اللہ دی وحدانیت دے گواہ اللہ دی الوہیت دے گواہ اللہ دی ربوبیت دے گواہ بن کے آئے اللہ اکبر گل ایتھے ختم نہیں ہوئی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے میرے صحابہ اللہ نے مینوں شاہد بنایا ہے گواہی دین والا شہادت دین والا حضور فرما دے کل قیامت دا دیاڑا ہوئے گا اللہ دی عدالت اندر لوگاں نو جمع کیتا جائے گا اللہ تعالیٰ اپنے نبیاں نو بلا لین گے نبیاں دی جماعت اللہ دی عدالت دے اندر بلائی جائے گی اللہ اکبر جدوں نبیاں نو بلا لیا جائے گا اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر اپنے رسولاں نو سوال کرن گے میں دنیا اندر تانوں بھیجیا سی پیغام دے کے میں دنیا اندر تانوں بھیجیا سی تمن ہجو مشن دے کے میرے نبیوں مینوں دسو میرا وہ پیغام اپنی امت تک تسی پہنچایا کہ کوئی نہ پہنچایا اپنی امت نو میرا میسج سنایا کہ کوئی نہیں سنایا تے نبی کہن گے اللہ سونیا اسی دنیں وی تیری توحید سناندے رہے ہاں اور رات وی تیری توحید دا پرچار کردے رہے ہاں مگر ساڈی امت نے ساڈیاں قوماں ساڈی گل نہیں کوئی نہیں مننی اللہ رب العالمین انہاں نبیاں دیاں قوماں نوں بلا لین گے انبیاء دی قوم نوں پوچھیا جائے گا کہ تہانوں میرا پیغام ملیا سی تسی عمل کیوں نہیں کیتا تے او قوماں اپنا انجام ویکھدیاں پئیاں ہون گیاں اج میرا مولا بڑے غصے دے رہے اللہ اج بڑے جلال اندر نے تے قوماں مکر جان گیاں جھوٹ بولن لگ جان گیاں اللہ دی ساڈے نبیاں سانوں گل دسی کوئی نہیں ساڈے کول پیغام پہنچے نہیں کوئی نہیں اللہ تعالی پھر اپنے نبیاں نوں کہن گے ساڈیاں قوماں تے مکر گئیاں اوہاں دے سانوں پیغام نہیں ملیا نبی کہن گے اللہ جی اسی پیغام دیندے رہے ہاں قوماں کہن گیاں سانوں ملیا کوئی نہیں اللہ فرمان گے انبیاء دی جماعت تسی میرا پیغام انہاں تک پہنچایا ہے اس بات دا ہے کوئی
कोल गवाह मौजूद जरा गवाही पेश कर देवे जरा आके कहे कि वाकई तुसी मेरा पैगाम पहुंचाया इतने रुक के एक बात से नशीन कर लो मेरा अल्लाह आलिम अल गैब अल्लाह दे इलम अंदर ये बात केड़ा बंदा सच बोलता पाए केड़ा बंदा झूठ बोलता पाए अज मेरे अल्लाह ने मंदिर पता है कादे नहीं बनाया मेरे नबी की अजमत बुलंद करने वास्ते मेरे नबी का रुतबा बधाने वास्ते मेरे नबी की इशाके दवाली सिफत लोगों के सामने उजागर करने वास्ते मेरे नबी नूं अल्लाह को परेजाद अपना नवादन वास्ते अल्लाह ने मंदिर बना दिते नबी पाक फरमाते ने अंबिया कहणगे अल्लाह सुनया क्यों नहीं साडी गवाही देण वास्ते तेरा आखिरी नबी तैयार है अल्लाह को अकबर अल्लाह सुनया तेरा महबूब नबी साडा गवाह है असीं अपनियां कौमां नूं दावत देंदे रहे पैगाम पहुँचाते रहे नबी पाक अली सलाम फरमाते ने फिर अल्लाह ताला दे नबी मैनू अल्लाह की अदालत लै जाणगे ते मैं नबियां दी गवाही पेश करांगा मेरा नबी अल्लाह की वहदानियत का गवाह मेरा नबी नबियां दे मनहजों मिशन का गवाह अल्लाह हु अकबर नबियां दा गवाह मेरा पाक पैगंबर अल्लाह फरमांदे ने शाहिदा सोणिया असां तुहानूं शाहिद बना करके भेजे अल्लाह हु अकबर मेरे नबी ने जमीन ते अल्लाह दी रबूबियत दी गवाही पेश कीती आसमान ते जन्नतियां दे उस मनहजों मिशन दी दावत दी गवाही पेश करदे ने इत्थे कोई बंदे जदों ईमानी मफहूम दस्या जांदा जदों इह हदीस सुनाई जांदी ते गलत फहमी अंदर आ जांदे ने इहदा मतलब अल्लाह दे रसूल गवाह बन गया ते गवाह ओ हुंदा है जिहड़ा कोल होवे इहदा मतलब है नबी पाक नबियां दी गवाही दे रहे ने अल्लाह दे रसूल फिर हाजर नाजर ने अर्ज लांदे नहीं मैं इस गलत फहमी दा दावा तेरे सामने करा ऐवें गलत फहमियां ना लै जाया जे मेरी मजलिस दे विचों अल्लाह अकबर ए गल नहीं दे मेरे नबी गवाह बन के आए मेरे नबी नबियां दी नबूवत दी गवाही पेश करनगे मगर इहदा ए मतलब नहीं कि मेरे नबी हाजर नाजर हर जगह और नहीं नहीं सुने मतलब ही नहीं है पहली गल ते इस गल नूं ते मैं भी बड़ी चंगी तरह जानना कि अल्लाह दे नबी तौहीद सुनांदे रहे अपनी कौम नूं इस गल नूं तुसीं भी बड़ी चंगी तरह जानदे ने भी अल्लाह दे नबी जिहड़े ने उह अपनी कौम नूं जनाब तौहीद दा पैगाम देते रहे ने अल्लाह हू अकबर हज़रात मोहतरम गल सुनने वाली जे मैं जिहड़ा पैगाम देण लगा उहनूं गौर नाल सुनिया जे नबी भी पैगाम देते रहे ने अंबिया पैगाम देते रहे पढ़िया नहीं जे कुरान पाक अंदर नूह अलैहि सलाम दा वाकया पढ़िया नहीं जे अल्लाह दे कुरान अंदर हजरत बाबा जी आदम अलैहि सलाम की तखलीक का किस्सा पढ़िया नहीं जे तुसी अल्लाह दे कुरान दे अंदर अल्लाह अकबर हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम की सीरत नूं अल्लाह ने अंबिया दा मिशन बयान किया अल्लाह ने अंबिया दा मनहज बयान किया अंबिया की मेहनत बयान की कुरान अंदर ये मैं भी जानना ते तुसी भी जानदे हो ते मेरा नबी ते नबियां दा नबी है मेरा नबी ते कुल कैनात दा सरदार है मेरा नबी ते बड़ा इलम रखण वाला नबी है ते मेरे नबी दे सीने ते अल्लाह ने वाकियात नाज़िल कीते ने फिर मेरा नबी क्यों नहीं गवाहियां देवेगा ते दूसरी गल तेरे सामने रखा मोह ला के ठप्पा ला के तेनू गल समझा छड़ा मेरे नबी गवाह बन के आए यार अल्लाह फरमाते ने वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते ने लोगो मेरा नबी अपनी मर्जी नाल बोलता ही नहीं है जदों मैं रब बुलाना वा तो मेरा नबी बोलन लग जाता है मेरे कहने पर बोलता है तो मैनू फिर इंज कहना पैना मैदान माशर के अंदर मेरे अल्लाह बुलाई जाते हैं मेरे नबी गवाहियां दी जाते मेरा नबी गवाह बन गया गवाह और जदों बोलिया खुदा तो नबी बोलिया जदों बोलिया खुदा तो नबी बोलिया एक लफज भी कोलो नहीं कभी बोलिया जदों बोलिया खुदा तो नबी बोलिया अपनी मर्जी नाल न बोले जद भी बोले मोती रोले जद भी बोले मोती रोले ओ सोना वहीद सिवा नहीं कदी बोलिया
जदों बोलिया खुदा उदों नबी बोलिया। हे पैगंबर गवाह बन के ने तीसरी गल सुन लो, मेरे नबी अल्लाह की वहदानियत दे गवाह, मेरे नबी नबियां दे गवाह। अल्लाह हू अकबर हुज़ूर फरमाते मैदान माशर अंदर मैं ईमान वालियां दे ईमान की गवाही भी पेश करांगा। अल्लाह की अदालत अंदर मैं दसांगा मौला ए बंदा ईमान लेके आया, ए बंदा ईमानदार सी, इस बंदे ने जिंदगी मेरी इतां तो फरमा बरदारी अंदर गुजारी। दिफा बन जाओ अल्लाह अकबर। यार मेरा नबी उदों तेरा गवाह बनेगा जदों तेरे मापे तेनू छड़ जाणगे, मेरा नबी उदों तेरा गवाह बनेगा जदों अपने बेगाने हो जाणगे, मेरा नबी उदों तेरा सफारशी बनेगा जो 50,000 साल का तबीब दिन होएगा, जो सूरज सवा मेरे ते आके लोगों को तांबे की तरह तबा रहा होएगा, जो लोग अपनी कीटियों को पकड़े होंगे, लोग अपने पसीनियों के अंदर डूबते ते तैरते पियोंगे, ऐसी कैफियत के अंदर जो किसी चीज का कोई साया नजर नहीं आएगा। एक मेरे अल्लाह के अरश के साए के अलावा जो लोग रब्बे नफसी दी सदावां देते होंगे, जिथे नबी भी जवाब दे जाएंगे ते मेरा नबी तेरा सफारशी बन जाएगा, मेरा नबी तेरा गवाह बन जाएगा। उस नबी नाल प्यार करया कर, उस नबी नाल मोहब्बत करया कर। हुज़ूर फरमाते ने अल्लाह ताला ने मेनू शाहिद बनाया, मैं अल्लाह दी अदालत अंदर ईमान वालियां दी इमाम दी गवाही पेश करांगा ईमान वालियां दी। प्यार कर मेरे नबी दे नाल, गल बनी है ते मैं तेनू इक मंदर तेरे सामने रखा। मैं ना दिन हशर दे सजदे कर करके मेरे पीर ने रब नु मना लेना, दिन हशर दे सजदे कर करके मेरे पीर ने रब नु मना लेने। साडे मरीदियां गुनागारा नु, साडे मरीदियां गुनागारा नु सुने घुट के सीने ला लेना, सोने गोट के सीने ला लेने। दिन हशर दे सजदे कर करके मेरे पीर ने रब नु मना लेने। उत्थे कुल नबियां जदों ना करनी बस पीर मेरे ने हां करनी, बस पीर मेरे ने हां करनी। उथे सब नबियां मेरे आका नो, उथे सब नबियां मेरे आका नो अपना सरदार बना लेने, अपना सरदार बना लेने। चुक चुक अड्डियां लोकी वेख देने ईशाना वाला कौन है, ईशाना वाला कौन है। जद पीर मेरे झंडा हमद वाला, जद पीर मेरे झंडा हमद वाला बिस्मिल्ला पढ़ के उठा लेने, बिस्मिल्ला पढ़ के उठा लेने। दिन हशर दे सजदे कर करके मेरे पीर ने रब नु मना लेना। बड़ा प्यार वाला बाबा गुलाम रसूल ए जुमला तेरे वास्ते, बड़ा टैट जुमला आ गए मेरे, कमाल होगी कमाल होगी। तवज्जो इत्थे कुर्सी ते बहुत चाचे ने जिहड़ी अज चस कराई है ईमान नाल, तवज्जो कर तवज्जो करो। अज जिहड़ा मैं जुमला तुहानू सुनाण लगा बड़े प्यार वाला, मैं मन्निया जन्नत बहु सोहणी, मैं मन्निया जन्नत बहु सोहणी पर उस दिन इस ते उरूजो सी, पर उस दिन इस ते उरूज। बस 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 जुमला जाया ना, आ बैठ बैठ कर। तवज्जो करो तवज्जो करो, हाल चाल नहीं मचानी। मैं मन्निया जन्नत बहु सोहणी,
मैं मन्निया जन्नत बहु सोनी पर उस दिन इस ते उरूजो सी पर उस दिन इस ते उरूजो सी जद इस विच मेरे आका ने जद इस विच मेरे मुर्शिद ने सड़ियारा डेरा ला लैण सड़ियारा डेरा ला लैण दिन हशर दे सजदे कर करके मेरे पीर ने रब नु मना लैण अल्लाह फरमांदे ने इन्ना अरसलना का शाहिदा व मुबशिरा अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमांदे ने सोनिया महबूबा असा तनु शाहिद बनाया और असी तनु मुबशर बनाया शाहिद दा मानी मफहूम समझाण सुन लो मुबशर अल्लाह फरमांदे ने सोनिया असा तनु मुबशर बना के भेजिया मुबशर दा माना खुशखबरियां देण वाला मुबशर दा माना बशारतां देण वाला मेरे नबी ने अपनी उम्मत नु खुशखबरियां सुनाईया मेरे अब नबी ने अपनी उम्मत नु बशारतां बयान कीतियां मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह दी रहमत दियां खुशखबरियां सुनाईयां बरकत दियां खुशखबरियां सुनाईयां जहन्नम तो अजाबी दियां खुशखबरियां सुनाईयां कबर दियां तरीकियां तो कबर दियां हौलनाकियां तो बचण दियां खुशखबरियां सुनाईयां मेरे पाक पैगंबर ने मैदान माशर के अंदर सख्तियां तो बचण दियां खुशखबरियां सुनाईयां मेरे रहीम नबी मेरे करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने मेरे पाक नबी ने अल्लाह की जन्नत दियां खुशखबरियां सुनाईयां इते मेरे नबी फरमांदे अबू बकर फिल जन्ना उमर फिल जन्ना उस्मान फिल जन्ना अली फिल जन्ना तदा फिल जन्ना जुबैर फिल जन्ना साद फिल जन्ना सईद फिल जन्ना इते बदर वालियां नूं जन्नत दी बशारत इते उहद वालियां नूं जन्नत दी बशारत इते खंदक वालियां नूं जन्नत दी बशारत मेरे नबी बशारतां देंदे गए मेरे पाक पैगंबर अलैहि सलातु वसलाम जन्नत दियां खुशखबरियां सुनांदे रहे ओ उम्मत दे मेरे नबी दी उम्मत दे लोगो नौजवानो मेरे बुजुर्गो ओ मेरी मां भैण गल सुन लो तवज्जो दे मेरे रहीम नबी ने तुहानूं वी खुशखबरियां सुनाईयां मेरे नबी ने तुहानूं ही बशारतां दित्तियां आका अलैहि सलातु वसलाम मुबशर बन के आए ने मुबशर मेरे नबी फरमांदे ने मेरी उम्मत दे लोगो जेड़ा बंदा मैनूं दो चीज़ां दी गरंटी देवे दो चीज़ां दी गरंटी मैं अल्लाह दा नबी उहनूं जन्नत दी जमानत देना सिफात मुस्तफा तालीमात मुस्तफा हुण मैं तालीमात नबी पाक अलैहि सलाम दीआं हदीसां मैं अपने नबी दे फरमोदार अल्लाह दे रसूल दे पैगामां तुहाडे तक पहुँचाना चाहना हुज़ूर फरमांदे खुशखबरी सुना रहे मेरे नबी जन्नत दी आका फरमांदे ने जिहड़ा बंदा चाहुंदा जन्नत मिल जाए पर मैं मैनू दो चीज़ां दी तुसीं गरंटी दे छड्डो मैं तुहानूं जन्नत दी जमानत दे देना यार जानना किस नबी ने जन्नत दी जमानत दित्ती किस नबी ने जिहड़ा अल्लाह दी मर्जी तो इलावा नहीं बोलदा किस नबी ने जन्नत दी जमानत दित्ती है इहदी जमानत रिजेक्ट नहीं कीती जाएगी किस नबी ने तैनूं जन्नत दी जमानत दित्ती है जिहदे नाल अल्लाह दा वादा वादा सौफायूं होती रबू का फादर जिन अल्लाह ने खुद आख्या मैं राजी करांगा तेनू जो कहिंदा जाएगा मैं मनदा जावांगा मेरे पाक पैगंबर अलैहि सलातु वस्सलाम ने जन्नत दियां जमानतां पेश कीतियां मेरे नबी गरंटी दे रहे ने अज किसी बंदे ते को केस हो जाए वह बंदा सुकून नाल मिली जांदा है उहनूं टेंशन कोई नहीं पुछिया जाए अल्लाह दे बंदे तेरे ते बड़ा वड्डा केस होया तू सुकून दी नींद पिया सौंदा है एडा वड्डा केस हो जाए एडी वड्डी परेशानी बन जाए बंदे नूं सुकून नहीं आंदा तेनूं टेंशन नहीं कोई मसला की आंदा मौलवी जी मैनूं टेंशन इस वजह करके कोई नहीं है अल्लाह अकबर तुहानूं पता नहीं MNA मेरा जमानती है MPA मेरा जमानती है फलां वजीर दे नाल मेरे बड़े चंगे तलाकात ने MPA ने चले जाना है मेरी जमानत देण MNA ने मेरा जमानती बन जाना ते मैनूं कादा रौला है ओ यार दुनिया दे लीडर ते चौधरी ते नवाब किसे दे जनाब सिफारशी बन जाण किसे दे जमानती बन जाण ओनू टेंशन कोई नहीं ते ओ बंदा किड्डा अजीम होएगा ओ बंदा किड्डा चंगा होएगा जिदा आम क्यामत वाले दिन जमानती मेरा पाक पैगंबर होएगा
अपनी जबान मेनू गारंटी दे छे अपनी जबान गलत इस्तेमाल नहीं करेगा इस जबान झूठ नहीं बोलेगा इस जबान मंदा नहीं बोलेगा इस जबान बेहयाई की गुफ्तगु नहीं करेगा इस जबान वादा खिलाफी नहीं करेगा इस जबान किसी की चुगली नहीं करेगा इस जबान किसी की गीबत नहीं करेगा इस जबान किसी के जनाब अल्लाहु अकबर खिलाफ बोल नहीं बोलेगा इस जबान गालियां नहीं देगा इस जबान झूठ नहीं बोलेगा जबान की गारंटी देनी है जबान की गारंटी देनी है होवे मेरे नबी का गुलाम तो लोगों को झूठ बोले ये गल फबदी गजदी तो नहीं है होवे मेरे नबी दे जान वाला तो लोगों नाल फराड करे ये गल कोई जचकी फबदी तो नहीं है होवे मेरे नबी दा सच्चा उम्मती होवे मेरे नबी नाल प्यार करने वाला वो यार जान देण दे वादे बड़े वड्डे वादे ने कभी अपनी जबान ते कंट्रोल कर जाए ना तो अल्लाह की कसम तू तर जाए तू चंगा रह जाए मेरे नबी ने जबान की तेरे को गारंटी मंगी है और अल्लाह के बंदे जबान को गलत इस्तेमाल नहीं करना एवें झूठ बोलन लग जाते हो एवें चुगलियां करन लग जाते हो एवें गीबत करन लग जाते हो गालियां देन लगियां तुहानू क्यों नहीं सबाब का ख्याल आता मेरे नबी बड़ी सोहनी जबान इस्तेमाल करया करते सन आदि हुरमत रसूल दे जान भी कुरबान है अपनी जबान दे जनाब गंदे काम तो पहले कुरबान कर फिर मैं मन्ना तू मेरे नबी का सच्चा मुहिब ते मेरे नबी नाल प्यार करने वाला इस जबान तकबर गुरूर दे चुगले ना बोलिया कर इस जबान हसद ते बुगल दे चुगले ना बोलिया कर हुजूर फरमांदे ने जबान की गारंटी देनी है इस जबान नु अच्छा इस्तेमाल करना है ओ यारा जबान नु इस्तेमाल करना है कुरान पढ़ने वास्ते जबान नु इस्तेमाल करना है मेरे नबी दी जात ते दुरूद पढ़ने वास्ते जबान नु इस्तेमाल करना है खैर खाई का मशवरा देने वास्ते जबान नु इस्तेमाल करना है ते अच्छे अंदाज नाल अब्बू जी कह के बुलाना है अम्मी जी कह के बुलाना है भाई जान कह के बुलाना है अल्लाह अकबर बाजी जी कह के बुलाना है अच्छे अल्फाज अच्छे अंदाज जबान की गारंटी दियो ते दूसरी मेरे नबी ने फरमाया अपनी शर्मगाह की गारंटी दे छोड़ो अपने नफ्स की गारंटी दे छोड़ो इनू गलत इस्तेमाल नहीं करोगे लोगों की इज्जत नहीं लुटनिया लोगों की खैरतां ते डाके भी मारने अल्लाह अकबर अपने नफ्स की गारंटी देनी हुज़ूर फरमांदे जिहड़ा बंदा मैनू इन्हां दो चीज़ों की गारंटी देगा मैं उस बंदे नू जन्नत की जमानत देना लै लो जमानत मेरे नबी को जन्नत के प्लाट फरोख्त होते पै दे जन्नत के प्लाटा का रेट लग्या पै की रेट लग्या जबान सही इस्तेमाल करनी है कि अपनी शर्मगाह नू गलत इस्तेमाल नहीं करना ए दो चीज़ों की हिफाजत करो तुसी जन्नत का प्लाट खरीद लोगे तुसी जन्नत के मेहमान बन जाओगे तुसी जन्नत के परौने बन जाओगे ये गारंटी मेरे पाक नबी ने दी है ये जमानत मेरे रहीम नबी ने ली है अल्लाह अकबर फरमाते हैं मैं जमानतियां जरा बंदा है दो काम करेगा उन्हें जन्नत मिल जाएगी केड़ी जन्नत ओ जन्नत जी दे विच हमेशा जवानी ओ जन्नत जी दे विच हमेशा जवानी जी दे विच मछली दी पहली मेहमानी जी दे विच सोने ते चांदी दे बर्तन नसीबां वाले सुभान अल्लाह बर्तन ओ जन्नत जी दे विच जमुर दी जमीना जमीना ते बिछियां सबज रंग कलीना कलीना तेरे शम दे तकिए लगे ने बड़ी ऐशो इशरत दे दरिया बगे ने बड़ी ऐशो इशरत दे दरिया बगे ने अंदाजा ना जन्नत दा तुसी ला सकोगे केड़ी केड़ी नेमत नू जुठला सकोगे हुज़ूर फरमांदे मैं जन्नत दा जमानती जन्नत दा दो कम करो दो कम मैं तुहानू जन्नत दी जमानत देना अल्लाह अकबर तवज्जो करना गौर करना मैं जिहड़ा मसला समझा रहा मेरे नबी शाहिद बन के आए ने शाहिद अल्लाह अकबर अल्लाह फरमांदे ने शाहिदम मुबशरा सुने असां तुहानू शाहिद बनाया और असीं तुहानू मुबशर बनाया मेरे नबी खुशखबरियां सुना रहे अल्लाह अकबर एक होर हदीस सुनो मेरे नबी ने खुशखबरी सुनाई हुज़ूर फरमांदे ने मेरे नबी जदों
मक्कातुल मुअज्जमा तो मदीनातुल मुनव्वरा के अंदर तशरीफ लेकर के गए। मेरे नबी ने मदीने की जनाब रियासत की बुनियाद रखी, इस्लामी मुआशरे की बुनियाद रख दिया। मेरे नबी ने जरा पहला खिताब किया, पहला बात किया है, यह हदीस पल्ले बन लिया जे मेरी पूरी तकरीर के बच्चों। इस हदीस की बड़ी जरूरत तेरे मुआशरे के अंदर है। ऐले तो हील बैठे हो, ऐले हदीस बैठे हो। अल्लाह की कसमी, अल्लाह ने अकीदा बड़ा सोना दिता जे, अल्लाह ने मनहज बड़ा सोना दिता जे, अल्लाह ने मसलक बड़ा सोना दिता जे। अगर कसम रब्बे ज़ुल जलाल की, अल्लाह हू अकबर, इस्लाम के बुनियादी पंज अरकान तो बाद उन्होंने मन लैन ते अपना लैन तो बाद इस हदीस से तुम अमल कर लग जाओ, सीधे जंती हो, सीधे जंती हो। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते ने मेरे साहबा चार कम करया करो, चार कम मेरी उम्मत दे लोगो चार कम करया करो। जेड़ा बंदा चार कम करेगा वह सलामती दे नाल जन्नत दाखिल हो जाएगा, सलामती नाल जन्नत दाखिल। पढ़े लिखे बंदे हो यार, सलामती नाल जन्नत, इस जुमले ते जरा गौर करो। लमा बैठे ने सलामती नाल जन्नत दाखिल हो जाएगा। मैं गौर किया इस जुमले से, सलामती नाल जन्नत दाखिल होने का मतलब तो मेनू इन समझ आता है, कबर दियाँ तनहाइयां और कबर दियाँ वहशतनाक और कबर दियाँ जनाब उन्हां बीमारियां, कबर दियाँ उन्हां सजावां तो बच जाएगा वह बंदा, सलामती नाल जन्नत दाखिल होने। अल्लाह अकबर, मैदान माशर दियाँ सख्तियां तो बच जाएगा, कुल शराब दियाँ तंगियां ते मुसीबतां तो बच जाएगा। सलामती नाल जन्नत दाखिल होने का मतलब जहन्नम की अग तो बचा लिया जाएगा, जहन्नम की गर्मी तो बचा लिया जाएगा। सलामती नाल जन्नत दाखिल होने का मतलब है अल्लाह अकबर, बगैर हिसाब तो जन्नत का दाखिला लभ जाएगा। क्योंकि सलामती नाल जन्नत का मतलब देवे कोई टेंशन नहीं होएगी, कोई परेशानी नहीं होएगी, कोई इम्तिहान नहीं होएगा, कोई परेशानी नहीं आएगी। बल्कि मैं इन कहां लोग शामिल हो जाएगा बंदा जिन्हों के बारे अल्लाह फरमाते हैं, ला खौफ अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कुछ ऐसे बंदे ने मेरे जिन्हों वास्ते कोई खौफ नहीं, कोई गम नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई दुख नहीं, कोई इम्तिहान नहीं। हुज़ूर फरमाते ने सलामती नाल जन्नत दाखिल हो जाओगे, कोई परेशानी नहीं बनेगी। महबूबा करना की है, पर मैं चार कम करने ने, चार कम। कच्ची कोठी दे रहने वाले हो, आओ मैं साईवान तो आन वाला परदेसी वीर को पैगाम देवा। तालीम ते मुस्तफा, मेरे नबी ने तालीम दी थी, पर मैं जन्नत की खुशखबरी सुनाता पिया। सलाम जन्नत चाहिए ते चार कम करने, आका जी केड़े केड़े? हुज़ूर फरमांदे ने अफशु सलाम व अतइमु ताम व सिलु अरहाम व सल्लु बिल लैल व नहसुनियां। नबी पाक अलैहि सलातो व सलाम फरमांदे ने मेरे साहबा चार कम करया करो। पहला कम अफशु सलाम, सलाम नू आम कर दियो, एक दूजे नू सलाम बुलाया करो। जिन्हों जानते उन्हों ही सलाम बुलाओ, जिन्हों नहीं जानते उन्हों ही सलाम बुलाओ। काले नू भी सलाम बुलाओ, गोरे नू भी सलाम बुलाओ, बड़े नू भी सलाम बुलाओ, छोटे नू भी सलाम बुलाओ, कोठी वाले नू भी सलाम बुलाओ, ते झोपड़ी वाले नू भी सलाम बुलाओ, गड्डी वाले नू भी सलाम बुलाओ, ते रेहड़ी वाले नू भी सलाम बुलाओ, दुकान वाले नू भी सलाम बुलाओ, ते फ्रूट दी रेहड़ी वाले नू भी सलाम बुलाओ। सलाम करना है, सलाम करना है सारिआं नू, सलाम नू आम करना है मेरे यारो, सलाम एक दूजे नू बुलाना है। जदों बंदा किसी नू सलाम कहिंदा ते मुहब्बत वध जांदी है, अकीदत वध जांदी है, एक दूजे दा एहसास वध जांदा है। एक दूजे नू सलाम बुलाया करो, सलाम। हुज़ूर फरमांदे ने अफशु सलाम, सलाम नू आम करना है मेरे साहबा। अल्लाह की कसम, मेरे नबी एडे मेरे नबी दे ताबेदार सन, मेरे नबी दे साहबा इतने मेरे नबी दे ताबेदार ते फरमा बरदार सन। अल्लाह अकबर, मेरे नबी ने जिन्हों बयान फरमा दिता ते जान दियो मेरे नबी दे यारा किंज अमल कीता इस हदीस ते, किंज सलाम नू आम कीता। घर जांदे अपनी बीवियां नू सलाम कहिंदे, अपने अब्बू नू सलाम कहिंदे, अपनी अम्मी नू सलाम कहिंदे, अपने बच्चियां नू सलाम कहिंदे, अपने रिश्तेदारां नू सलाम कहिंदे, मुहल्लेदारां नू सलाम कहिंदे। पर माज़रत दे नाल मेरे भाइयों, अज असी हसद की वजह करके जिहड़ा सलाम
सलाम बुलायो दे सलाम का जवाब तक नहीं दे दे। अज असी तकबर की वजह करके माड़े बंदे नाल सलाम ही नहीं दे, अज असी गुरूर की वजह करके माड़े बंदे नाल कलाम ही नहीं करते। हुजूर फरमाते ने अफशु सलाम, सलाम आम करना है। मेरे नबी दे सहाबा सलाम इंजाम किया इंज मेरे नबी दे दो यार चलते जा रहे होंगे, हथे च हथ पाए हुए ने, मुहब्बत दलिया चलते जा रहे संबंध। रस्ते च कोई दरखत आ जाता, कोई दीवार आ जाती, कोई पत्थर आ जाता, एक सहाबी सज्जे पास्यों गुजरता, दूसरा खब्बे पास्यों गुजरता। जो दोबारा आपस में मुलाकात होती है अल्लाह को अकबर, जो मिलते आपस के अंदर फिर एक दूजे को सलाम बुलाया कर दे, अफशु सलाम, सलाम आम किया। अल्लाह के बंदे नफरत छड़ के आ मुहब्बत बदा, एक दूजे नूं सलाम किया करो। और नबी पाक अलैहि सलाम फरमाते ने जदों दो मुसलमान एक दूजे नूं सलाम कहते हैं दस नेकियां ते अलग ने, अल्लाह ताला दोनों नूं सदके दा सवाब भी अता फरमाते ने। इत्थे ही बस नहीं, इंज हथां च हथ मिला के, इंज हथां नाल हथ मिला के बंदा जनाब इंज हिला के नबी पाक दी सुन्नत दे मुताबिक जो मुसाफा किया जाए, अल्लाह दे नबी फरमाते ने दिलों साफ हो के दो मुसलमान हथां नाल हथ मिला के जो मुसाफा करते हैं इन्हां दे हाथ जुदा बांध अंदर आते हैं, अल्लाह इन्हां दे गुनाह पहले मिटा देंदे ने, इन्हां दे गुनाह खत्म हो जाते। मेरे नबी ने खुशखबरियां सुनाइया, हुज़ूर फरमाते अफशु सलाम, सलाम आम करया करो। अगली गल फरमाया वा अकीमु ताम, ओ मेरे सहाबा, ओ मेरी उम्मत दे लोगो, दूसरा काम है खाना खिलाया करो एक दूसरे को, दस्तरखान ते बुलाया करो, अपने घरां च बुला के, अपने डेरियां च बुला के अपने दस्तरखान नूं वसी कर छड्डो, अल्लाह दे बंदियां नूं खाणा खिलाया करो, अल्लाह बड़े राजी हुंदे ने। इह अमल इतना प्यार रहे किसी नूं खाना खिलाना या पानी पिलाना, जानते हो सही बुखारी अंदर आए थे नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमांदे एक नचण वाली बीवी एक तौहीफा औरत ने एक कुत्ते नूं पानी पियाया सी, कुत्ते दे बच्चे नूं पियाया सी, ते मेरे अल्लाह ने उनियां सारियां गुनाहां नूं माफ करके उन्हूं जन्नत दा मेहमान बना दिता सी। ओ मुसलमानो, नमाजी लोगो या हाजी लोगो, अहले तौहीद लोगो, अगर एक नचण वाली एक कुत्ते नूं पानी पिया के जन्नत जा सकती है ते तू बुढ़े बाप नूं पानी पियावे मेरा मौला किड्डा राजी होएगा, तू अपने भरा नूं रोटी खवावे मेरा अल्लाह किड्डा राजी होएगा, तू अपनी भैन दे सिर ते दस्ते शक्कत रख के अल्लाह अकबर नूं खाना खिलावे मेरा अल्लाह किन्ना राजी होएगा। अल्लाह दे नबी फरमांदे ने वा अकीम मुकाम, एक दूसरे नूं खाना खिलाया करो। अज दे गए गुजरे दौर दे अंदर भी मैं ऐसे मंदिर वेखे, दो बंदे लड़ रहे ने आपस दे अंदर, अल्लाह अकबर मुहब्बत वधाना चाहते हो, कदरा पैदा करना चाहते हो, एक दूसरे नूं खाना खिलाया करो। अल्लाह अकबर, मैं ऐसे मंदिर वेखे दो बंदे लड़ पे ने आपस के अंदर, एक गालियां भी देता पिया, मुक्के भी मारता पिया, दूसरा ना मुक्कियां का जवाब देता है ते ना हम गालियां का जवाब देता है। अल्लाह अकबर, बड़ी अजीब कैफियत है, यारा तू इहदे कोल इन्ना डरदा पिया है, तू मुक्के का जवाब भी नहीं दिता, तू गाल का जवाब भी नहीं, तेरी ताकत कोई नहीं, तेरे को जबान कोई नहीं। उन्हें कहा मौलवी जी मेरे को जबान भी मौजूद है, मेरे को हिम्मत ते ताकत भी मौजूद है, एदा डर भी कोई नहीं, एदा करदा भी मैं कोई नहीं देना, फिर गल की है इनू तू जवाब क्यों नहीं देता, आंदा जो मर्जी करे मैनू कहना ही कुछ नहीं, मैनू जवाब देना कोई नहीं, क्यों अल्लाह दिया बंदिया। वो आंदा मौलवी जी असल दे अंदर इनू पता नहीं ख्याल आंदा कि नहीं आंदा, मैनू हया पिया मारदा है, मैं इहदे घर दा नमक खा बैठा, मैं इहदे घर तो लुकमे ला बैठा, यार खैरतां वाले बंदे चंगे खानदान दे लोग इस नमक का भी हया करया करते हैं, मैं दो चार लुकमे लाए ने उनके घर अंदर, ये दस्तरखान तू रोटी खा बैठा, तो जिंदा खाई दे उनके अगे बोली दा नहीं, जिदे नाल जिदा खा लईए फिर वो बदतमीजी नहीं करी दी, उदा हक बनता है साढ़े ते। वो यार मैं एक सवाल करांगा, अल्लाह दिया बंदे जिस रब का खाना है फिर उस रब के गीत क्यों नहीं गाँगा, जिस रब का खाना है वो दर ते आके फिर सर क्यों नहीं झुकांदा। अल्लाह अकबर, ओ मेरे यारो अवाकईम मुकाम, एक दूसरे नूं खाना खिलाया करो। जांदे हो माना वाला दे अंदर, शेखपुरे दे अंदर, अल्लाह अकबर पंज पंज दार दियां कड़ाइयां खा जांदे ने, ते अपने बच्चियां वास्ते भी ते लै के आया कर, अपने मापियां वास्ते भी लै के आया कर। अच्छा ये भी गल्लां अपनी जगह ते रही, मगर मैं इक होर दरस देवांगा। जांदे हो पंज पंज दार दियां कड़ाइयां खांदे हो, कदी इंज भी कर लिया कर, जां माना वाला दे अंदर या शेखपुरे दे अंदर, ते किसे दीनी दरसगाह
घरां दे अंदर जा जिथे बैरूनी बच्चे आए हुए ने, जिथे यतीम बच्चे भी पढ़ते ने, मस्कीन बच्चे भी पढ़ते ने, मदरसे दे अंदर कुरान दा इलम सीख रहे ने, जाके मौली साहब नूं कह मौलवी जी अज मैं 5,000 दी कढ़ाई नहीं खानी बल्कि 5,000 दी शाम दी रोटी मैं मदरसे दे बच्चियां नूं खवानी। अज मैं कढ़ाई नहीं खानी, अज दोपहर दा खाना मैं बच्चियां नूं खवाना। वाह तई मुकाम, वेखी मेरा मौला किवें राजी होंदा, वेखी मेरा अल्लाह तेरे ते किवें करम करदा। ओ यारो आ जाओ, आ जाओ कुरान और सुन्नत दे वल, कौन अपनाएगा मेरे नबी दी तालीमात। अज साडे घर मेहमान आ जाए ते साडे उंजी 12 वज जांदे ने, अज साडे घर परौणा आ जाए किसे गरीब नूं खवाना पै जाए ते सानूं मौत पैण लग जांदी है। ओ ना अल्लाह दे बंदे नाम करिया कर, इस्लाम दा ते इम्तियाज ए वे, इस्लाम भुखियां नूं रोटी खवांदा है, इस्लाम दा इम्तियाज दे वे, मुसलमान दी पहचान दे वे। अल्लाह फरमांदे वा यू तो ही मून ताम अला हुबी मिस्कीन व यतीम व असीरा इन्ना मा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाहि ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन व ला शुकूरा। व अल्लाह दे बंदे ते यतीमां ते खर्च करिया कर दे, अल्लाह दे बंदे ते असीरां ते खर्च करिया कर दे, अल्लाह दे बंदे ते मस्कीनां ते खर्च करिया कर दे ने। पर साडू ए ख्याल ही कोई नहीं, असीं चंगा भला खा के सौ जाने आ, किन्ने यतीम ने तेरे मोहल्ले अंदर जिहड़े शाम नूं भुखे सौ जांदे ने, किन्नियां बेवां औरतां ने तेरे पिंड अंदर जिन्हां दे चार चार बच्चे ने ते शाम नूं रोटी नहीं मिलदी, ते ओह औरत जिहड़ी है अपने बच्चियां दी भुख दी वजह करके अपना जिस्म ते नाम करम ते लगी हुई है। अल्लाह दे बंदे कौन पैदा करे गए गैरत साडे दिल अंदर, मेरे नबी नाल प्यार है, मेरे नबी दी तालीमां तमाम करो। अल्लाह दी कसमें बड़ियां बड़ियां ऐसियां बीवियां जे जिहड़ियां बच्चे पालन की वजह करके जिनाह से मजबूर हुई बैठियां ने, अपने बच्चे पालन की वजह करके अपने जिसम का कारोबार से मजबूर हुई बैठियां ने। कभी असी ख्याल किया होंदा अपने मोहल्ले आलियां दा, अपने हमसायां दा ख्याल किया होंदा ते कितना मेरा मौला राजी हो जाता। मौला अब्दुल मालिक मुजाहिदाबादी मुजाहिद साहब हाफिज़हुल्लाह तआला ने किताब लिखी है अल्लाह हू अकबर, उहदे अंदर कहण लगे एक बंदा रियाद शहर दे रहण वाला ते मक्के दे एक बंदे नूं ख्वाब आंदा है, ख्वाब मक्के दे रहण वाले एक बंदे नूं ख्वाब आंदा है ते ख्वाब अंदर एक बंदे दी सूरत नजर आंदी है, नाल उहदा मोबाइल नंबर नजर आंदा है ते आवाज आंदी है अल्लाह दे बंदे अल्लाह तैनूं बड़ा दित्ता है, इस गरीब नूं अल्लाह दे घर बैतुल्लाह दा उमरा करा दे, इस गरीब नूं उमरा करवा दे। अल्लाह अकबर, एक दिन दो दिन तीन दिन ख्वाब आया, उन्हें नंबर भी नोट कर लिया, शक्ल भी याद रह गई, दो तीन मरतबा वेखी उन्हें नंबर मिला दिता है ते रियाद शहर दे एक बंदे दा नंबर मिलया। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਭਾਈ ਜਾਨ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਰਿਆਦ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣਾ ਫਲਾਂ ਬੰਦਾ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਮੈਨੂੰ 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਖਾਬ ਪਿਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕੰਮ ਪਿਆਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਮਰਾ ਕਰਾਵਾਂ, ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਮਰਾ ਕਰਾਵਾਂ। ਅਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਹੀ ਬੜਾ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਹੀ ਬੜਾ ਖਤਾਕਾਰ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਚੱਜ ਨਾਲ 5 ਵਕਤ ਦੀਆਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਐਡਾ ਚੰਗਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਤੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇਵੇ ਉਮਰਾ ਕਰਾ ਦੇ? ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਚਮਲ ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਬਾਈ, ਤੇਰਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਵੀ ਮੈਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਸ਼ਕਲ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਤੂੰ ਤਿਆਰੀ ਕਰ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਜੇ ਮੌਲਾ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਘਰ ਉਮਰਾ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਮਰਾ ਅਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗੁਨਾਹ 10-15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤਿਆਰੀ ਕਰ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਪਸ ਮੋੜਾਂ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਤੈਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਯਾਰ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਫਰੂਟ ਦੀ ਰੇੜੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਫਰੂਟ ਵੇਚਣਾ, ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੇਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਆਇਆ ਜਾਏ, ਅਤੇ ਜਾਂਦੀ ਵਾਰ ਮੈਂ 2 ਰਕਤਾਂ ਹੀ ਨਾ ਪੜ੍ਹ ਲਵਾਂ ਹਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਮੈਂ ਹਕੀਮ 'ਚ 2 ਰਕਤਾਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਪੜ੍ਹ ਲੈ। ਉਹਨੇ 2 ਰਕਤਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਆਖਰੀ ਰਕਤ ਹੈ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਰਕਤ ਦਾ ਆਖਰੀ ਸਜਦਾ, ਇਤਨਾ ਸਜਦਾ ਤਵੀਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੇਖੀ ਜਾਂਦਾ ਉੱਤੇ ਅਬ ਖੜਾ ਬੰਦਾ ਕੀ ਮਸਲਾ, ਜਾਂਦੀ ਵਾਰ ਰੋਂਦਾ ਪਿਓਏਗਾ।
अद्धा घंटा गुजरिया, पौना घंटा गुजरिया, आखिरकार हाथ लैके बंदा जमीन ते जा पे, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, बंदा फौत हो गया। बंदा सजदे च डिग पिया, मौला ये ते आंदा सी मैं गुनाहगार ही बड़ा, मैं खताकार ही बड़ा, अल्लाह जी ये ते आंदा सी मेरे कोल सही तरह नमाज़ा नहीं पढ़िया जांदियां, पर तू ए जे ते एडा मेहरबान होए इस बंदे ते, अल्लाह सुनिया वुज़ू दी हालत अंदर, अल्लाह दे घर बैतुल्ला अंदर, नमाज दी हालत अंदर, ते सजदे दी हालत अंदर तेनू मौत दिती है। अल्लाह एडी मेहरबानी एडा करम, इहदी मैयत नू लै के गए, इहदी बीवी नू उस चौधरी ने सवाल कीता, बाजी सच्ची सच्ची गल दस, तेरा खावन केड़ी एडी वड्डी ने की करदा सी, उमरे दा हुक्म होना यही बड़ी वड्डी गल है, पर ओ मरिया भी अल्लाह दे घर बैतुल्ला अंदर, वुज़ू दी हालत अंदर मरिया, सजदे दी हालत, यार इस तू वड्डी केड़ी सआदत वाली मौत होएगी, एडी वड्डी साध गल किए। उन्हें आख्या जी मैनू पता है मेरा खामन बड़ा गुनाहगार सी, पर गल सलंदर एवे जड़े साढ़े नाल वाले हमसाए ने, ए औरत सात साल तू बेवा हुई बैठी है, तीन चार बच्चे छोटे छोटे इस बीबी दे कोल ने, ते मैं अपने खावन नू बड़ी चंगी तरह जानना जाननी आ, मेरे खावन दल मैं जिंदगी गुजारी है, मेरा खावन मजदूरी करदा सी, मंडी अंदर जाके फ्रूट वेचिया करदा सी, एडा चंगा कारोबार नहीं सी, पर जिस दिन दा साडा मसाया फौत होया है, मेरा खावन जो कुछ मेरे बच्चियां वास्ते लियांदा सी, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਯਤੀਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਘਰ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਬੇਵਾ ਔਰਤ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਈ ਮਰਤਬਾ ਮੈਂ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਔਰਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਨਾਲ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਜਿਸ ਬੀਬੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਜਾਇਜ਼ ਤਾਲਕਾਤ ਹੋਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰਚ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਵੱਜੋ ਕੀਤੀ, ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਘਰ 'ਚ ਆਪਣੇ ਖਾਵਨ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਸਮਾਨ, 'ਤੇ ਕੁੰਡਾ ਖੜਕਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਆਪ ਟੁਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਹੀ ਨੇਕੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਜ਼ਦੀਕ, ਜੋ ਬੰਦਾ ਦਾ ਵਾਹ ਮੌਲਾ ਯਤੀਮਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੂੰ ਐਡਾ ਬੰਦੇ 'ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਘਰ ਬੈਤੁੱਲਾ 'ਚ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮੌਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ, ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਵਾ ਤੂੰ ਮੁਕਾਮ, ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਉਹ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾਇਆ ਕਰੋ, ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਅਮਲ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾਓ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ, ਯਤੀਮਾਂ ਮਸਕੀਨਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਭਰਿਆ ਕਰੋ, ਮੇਰਾ ਮੌਲਾ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵਸੀਲੁਲ ਅਰਹਾਮ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਹਾਬਾ ਸਿਲਾ ਰਹਿਮੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਮੇਰੀ ਉਮਤ ਦੇ ਲੋਕੋ ਸਿਲਾ ਰਹਿਮੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਸਿਲਾ ਰਹਿਮੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਜੋੜਿਆ ਕਰੋ, ਤਾਲੁਕਾਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਤੋੜਿਆ ਨਾ ਕਰੋ, ਝਗੜੇ ਫਸਾਦ ਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਐਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਅਤੇ ਅਦਾਵਤ ਕਿਨੇ ਅਤੇ ਤਾਸਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਪੜ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਅੱਲਾ ਦਿਆ ਬੰਦਿਆਂ, ਚੌਧਰਾਂ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਣੀਆਂ ਨੀ, ਇਹ ਤੇਰੀਆਂ ਨਵਾਬੀਆਂ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਣੀਆਂ ਨੀ, ਇਹ ਨੰਬਰਦਾਰੀਆਂ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀਆਂ, ਇਹ ਤਕੱਬਰ ਅਤੇ ਗਰੂਰ ਤੈਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਛੱਡੇਗਾ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜੁੜ ਜਾਓ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰ ਲਓ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸੱਗੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਦਾਤੇ ਹੋਏ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਵੱਟ ਬੰਨੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੂੰ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਤੂੰ ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕਲਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ, ਐਸੇ ਸਖਤ ਦਿਲ ਮੈਂ ਵੇਖੇ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਦੀ ਜਨਾਬ, ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਉਹਦੇ ਜਨਾਬ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਮਰ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂ ਮੇਰੇ ਜਨਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਆਵੇ। ਅਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ੀ ਵੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਹਾਜੀ ਵੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਾਰੀ ਵੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮੌਲਵੀ ਵੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਦਿਲ ਏਡੇ ਸਖਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ, ਇਹ ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਕੀਦਾ ਤੌਹੀਦ ਹੋਏਗਾ, ਮੇਰਾ ਮਾਲਾ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਮੇਰੇ ਸਹਾਬਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਮੇਰੀ ਉਮਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੰਗਾਲ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ, ਮਹਬੂਬਾ ਜਿਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਚੱਜ ਨਾਲ ਲੱਭੇ ਨਾ ਲੱਭੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ, ਗਰੀਬ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਅੰਦਰ ਬੜੀਆਂ ਨੇਕੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ, ਬੜੀਆਂ ਨੇਕੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ, ਕਮਰ ਚੁੱਕੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੀ ਨੇਕੀਆਂ ਕਰ ਕਰਕੇ, ਪਰ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਜਨਾਬ ਨੇਕੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਜੰਨਤ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਲੋਕ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਅੱਲਾ ਜੀ ਇਹਨੇ ਮੇਰਾ ਹੱਕ
हक मारिया हो मैनू गालियां दित्तियां मेरा हक मार गया मेरे नाल बड़िया नफरत मेरे नाल इहनू बड़िया दावत हत्ता कहदियां नेकियां सारिया लोकां च वंड दित्तियां जाणगियां अजे बंदे और होणगे जिन्हां नाल इहने बदसलूकी कीती है फिर उहनां दे गुनाह इहदे ते पा के उहनां नू जन्नत वल टोर दिता जाएगा तेनू जहन्नम दा ईंधन बना दिता जाएगा हथ बन के इंतजार करना कच्ची कोठी वाले हो अल्लाह दा वास्ता जे नफरत छड़ दिओ आपस दे अंदर तासब छड़ दिओ ओ भरावां दे कतल दे मनसूबे बणाउंदे हो निक्की निक्की गल तों एक दूजे दे नाल जनाब अल्लाह अकबर दाते मोहतर नफरत पा लैंदे हो हुजूर फरमांदे वसीलुल अरहाम कौन अपनाएगा मेरे नबी दी हदीस नूं यहूदियां नहीं जे अपनाणी ईसाइयां नहीं जे अपनाणी सिखां नहीं जे अपनाणी ओ तेरे नबी नूं मनदे ही कोई नहीं असीं मनदे आ साडी जिम्मेदारी है असीं हुजूर दी तालीमां अपना लईए और याद रखो नमाजी हो हाजी हो बेहतरीन लोग हो चंगे बंदे हो एक गल मेरी याद रखिया जे नबी पाक फरमांदे जुमे रात वाले दिन अल्लाह दी बारगाह च लोगां दे अमाल पेश कीते जांदे ने अल्लाह हर बंदे दी नेकी कबूल करदे पर उस बंदे दी कोई नेकी कबूल नहीं जिहड़ा बंदा कते रहमी करन वाला जिहड़ा बंदा लड़ाइयां पाण वाला जिहड़ा बंदा झगड़े करन वाला जिहड़ा बंदा लोगां जुदाइयां पवाण वाला बंदा फितना खड़ा करन वाला कोई नेकी कबूल नहीं वेखियो हाजियो हजां दाया ना कर लिया जे ओ पंज वक्त दे नमाजी हो वेखिया ਤੁਹਾਡੀਆਂ 70-70 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਐਵੇਂ ਨਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨੋ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਨਾ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰ ਲਿਆ ਜੇ ਕਤੇ ਰਹਿਮੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਨੇਕੀ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਵਸੀਲੁਲ ਅਰਹਾਮ ਮੇਰੇ ਸਹਾਬਾ ਸਿਲਾ ਰਹਿਮੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਚਾਰ ਪੈਸੇ ਆ ਜਾਣ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਚਾਰ ਟਕੇ ਆ ਜਾਣ ਉਹ ਆਂਦਾ ਲਓ ਮੈਂ ਚੌਧਰੀਆਂ ਤੇ ਕੰਮੀ ਏ ਮੈਂ ਵਡੇਰਾਂ ਤੇ ਦੀ ਹਸੀਅਤ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਨਵਾਬ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਤਕੱਬਰ ਨਹੀਂ ਗਰੂਰ ਨਹੀਂ ਗੁਮੰਡ ਨਹੀਂ ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਅੱਜ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਈਕਲ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਮੌਤ ਆਏਗੀ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਕਬਰ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਨਸੀਬ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨੀ ਕੁ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਭ ਜਾਏਗੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਜਨਾਬ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ ਤੇਰੇ ਜੰਮਣ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਅੱਜ ਹਰਾਮ ਲਾਲ ਦੀ ਤਮੀਜ਼ ਭੁੱਲੀ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਮੁੰਦਰੀ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣੀ ਫਿਰ ਕਾਹਦਾ ਗਰੂਰ ਏ ਫਿਰ ਕਾਹਦਾ ਘੁਮੰਡ ਏ ਆਪਣੀ ਔਕਾਤ 'ਚ ਰਹਿ ਨਫ਼ਰਤਾਂ ਨਾ ਫੈਲਾ ਕਰ ਆਪਣੀ ਔਕਾਤ 'ਚ ਰਹਿ ਐਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹਸਦ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ ਆਪਣੀ ਔਕਾਤ 'ਚ ਰਹਿ ਐਵੇਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਾਬ ਜ਼ਲੀਲ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ ਆਪਣੀ ਔਕਾਤ 'ਚ ਰਿਹਾ ਕਰ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹਤਰਮ ਪਹਿਚਾਣੋ ਪਹਿਚਾਣੋ ਆਪਣੀ ਹੈਸੀਅਤ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਔਕਾਤ ਨੂੰ ਅਤੇ ਐਵੇਂ ਤਕੱਬਰ ਨਾ ਕਰੋ ਤਕੱਬਰ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਦੀ ਚਾਦਰ ਏ ਜਿਹਨੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਚਾਦਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਅੱਲਾ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰ ਛੱਡੇਗਾ ਰੁਸਵਾ ਕਰ ਛੱਡੇਗਾ ਸਿਲਾ ਰਹਿਮੀਆਂ ਕਰੋ ਸਿਲਾ ਰਹਿਮੀਆਂ ਇਹ ਅੱਲਾ ਦੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਨੇ ਅੱਲਾ ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਹੇ ਤਗੜਾ ਬਣਾਏ ਅੱਲਾ ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਹੇ ਮਾੜਾ ਬਣਾਏ ਅੱਲਾ ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਹੇ ਕਾਲਾ ਬਣਾਏ ਅੱਲਾ ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਹੇ ਗੋਰਾ ਬਣਾਏ ਇਹ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਦੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਨੇ ਸੱਕੇ ਭਰਾ ਨੇ ਇੱਕੋ ਮਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇੱਕ ਕੋਠੀਆਂ 'ਚ ਰਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਝੋਪੜੀਆਂ 'ਚ ਰਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਇੰਨੇ ਨੇ ਕਿ ਗਿਣੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੋਲ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਇਹ ਅੱਲਾ ਦੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਈਦ ਉਲ ਫਤਿਹ ਰਹਿਮਤੁੱਲਾ ਅਲੈਹ ਫਰਮਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਮੈਲੇ ਹੋਵਣ ਕਈ ਕਈ ਹੁੰਦੇ ਤਵੇ ਤੂੰ ਕਾਲੇ ਨੇ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਮੈਲੇ ਹੋਵਣ ਕਈ ਕਈ ਹੁੰਦੇ ਤਵੇ ਤੂੰ ਕਾਲੇ ਨੇ ਕਈ ਮਾਰੇ ਹੋਏ ਨਸੀਬਾਂ ਦੇ ਕਈ ਬਹੁਤੇ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਸੋਨਾ 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 ਏ ਕਿਤੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਲੱਸੀ ਪੀਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਕਈਆਂ ਕੁੱਤੇ ਵੀ ਦੁੱਧੀ ਪਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਅਗਲੇ ਡੰਗ ਲਈ ਜੁੜਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਅਗਲੇ ਡੰਗ ਲਈ ਜੁੜਦੀ ਨਹੀਂ ਕਈ ਦੇਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਛੱਡੇ ਨੇ ਵਾਹ ਮੌਲਾ ਤੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਦਰਤਾਂ ਦੇ ਕਿਆ ਸੋਹਣੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕੱਟੇ ਨੇ ਹੈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵੱਲ ਹੈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵੱਲ ਅੰਗੂਰਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਮਿੱਠੇ ਨੇ ਕੁਝ ਖੱਟੇ ਨੇ ਇਹ ਜੁਮਲਾ ਵੀ ਗੌਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜੇ ਹੈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵੱਲ ਹੈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵੱਲ ਅੰਗੂਰਾਂ ਦੀ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਯਾ ਅਯੂ
चौधरी आप बंदे नूं बंदा नहीं हो जानना, वो वडेरे आप माड़े की कदर नहीं हो करदा, मैं इंसान हाँ ते जानवर। अल्लाह फरमांदे मिन नफसी वाहिदा, मैं ते इको जान चू पैदा किया, तू वडेरा किवें ओ कमी किवें, इको ही बाप है। चौधरी जी मेरा बाप भी बाबा आदम, तुहाडा बाप भी बाबा आदम, रेड़ी लाने वाले दा बाप भी बाबा आदम, ते सोने दी दुकान ते बहन वाले दा बाप भी बाबा आदम। ये वंडा कितों पईआं ने, ये कितों तफरीकां लैके आए हो, और ना ना ला दिओ बंदे ओ सच छड्डो, है इको ही मल। अंगूरां दी कुछ मिठे ने कुछ खट्टे ने, कुछ मिठे ने कुछ खट्टे ने, अल्लाह दी मर्जियां ने किते चेहरे चोचो कर दे ने, किते रंगी रेंदे उड़े ने, कई किते चेहरे चोचो कर दे ने, किते रंगी रेंदे उड़े ने, कई पीरी विच यानी बुढ़ापे विच जवान दिसण, कई विच जवानी बुढ़े ने, कोई कुर्सियां चढ़ के बैठे ने, कई खांदे फिरदे ठुडे ने, ओ किते रक्षे जोगे पैसे नहीं, किते रक्षे जोगे पैसे नहीं, कई चढ़ जहाजी उड़े ने, वाह मौला तू अपनी कुदरत दे किया सोने नक्शे कटे ने, है इको ही वल। अंगूरां दी कुछ मिठे ने कुछ खट्टे ने, कुछ मिठे ने कुछ खट्टे ने, ओ किते जम्मण ते खुशियां हो रही ने, किते चढ़ जनाजे जा रहे ने, किते जम्मण ते खुशियां है वेख्या नहीं, जे कल परसों जनाब नारोवाल दे करीब बसां टकराइयां ने, अग लगी है ते जिंदा ही बंदे जल गए ने, जांदे खुशियां वास्ते पैसन करो, मां अपने पुत्र नूं तैयार कर रही है, करो अज तैयारियां हो रही कद लई, मेरे पुत्र दी अज बरात जाण वाली, मेरे पुत्र दे निकाह दा मौका, सेरे बज गए ने, गाने बज गए ने, कुड़ते पा लै ने, सोहनी जुत्ती पा लईए, गड्डी नवी मंगा लईए, ते चढ़ गया दुलाज जनाब, बड़े अरमान ने दिल अंदर, बड़े चाह ने दिल अंदर, आज मैं शादी कर लेनी है, आज मेरी बीवी मेरे घर आ जानी है, बाप भी आज खुशियां नाल सीना चौड़ा कीती फिरदा है, मां दे दिल अंदर भी बड़े अरमान ने, भरा बड़ आज भुले नहीं पे समांदे, भैणां आज वीर दे गीत पईआं गाउंदियां ने, गड्डी चल पई है जा रही है जनाब शेखुपुरा दे अंदर, रस्ते दे अंदर ट्रक दे नाल टकराईए, ओ जिन्ने दुल्हन लैके आना सी उंदी मैयत वापस आ गई है, जिन्हें बीवी अपनी बीवी लैके आना सी ओदे जिस्म दे ओदा ही वखरे वखरे होए पै ने, अल्लाहु अकबर, किते जम्मण ते खुशियां हो रहियां ने, किते चढ़ जनाजे जा रहे ने, ओ किते मेहंदियां तेल पै लगदे ने, किते मैयत नूं नहला रहे ने, ए ते अल्लाह दियां मर्जियां ने, असी सैलमे फिल्म वेखदे पियोने आ, ते कश्मीर दी बीबी दी इज्जत लुट्टी जा रही होंदी है, असी घर बह के केबल ते इंडिया दी कंजरी दा मुजरा वेखदे पियोने आ, ते फलस्तीन दे बच्चे ज़िबा कीते जा रहे होंदे ने, असी अपनियां जनाब दोस्तां दे नाल, अपने दोस्तां ते यारां दे नाल सैरां करदे पियोने आ, ते रोहंगा अंदर मुसलमान औरतां दियां छातियां ते टोके मार मार के कीमे बना रहे जाए होंदे ने, अल्लाह दे बंदे ओ क्यों नहीं हकीकत नूं समझदे, मुसलमान ते इक दूजे दे दुख दर्द दा साथी होंदा है, मुसलमान ते इक दूजे दा खैर खां होंदा है, मुसलमान ते इक दूजे दी तड़प नूं समझण वाला होंदा है। हुजूर फरमांदे वसीलुल अरहाम, ओ किते जम्मण ते खुशियां हो रहियां ने, किते चढ़ जनाजे जा रहे ने, किते मेहंदियां तेल पै लगदे ने, किते मैयत नूं नहला रहे ने, किते गाने सेरे बजदे ने, किते विच कबरी दफना रहे ने, ओ किते खुशियां 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 ने, किते खुशियां खुशियां
खुशियां ने कई चाड़ किते खुशियां 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 ने कई विच गमां दे अटे ने वाह मौला तू अपनियां कुदरतां दे के आ सोने नक्शे कटे ने है इको ही वल ओए ओए अल्लाह दे बंदिया है इको ही वल अंगूरां दी कुछ मिठे ने कुछ खटे सिला रहमी करनी है हुजूर फरमांदे ने जन्नत सलामती नाल चाहिए सिला रहमी करिया करो सिला रहमी चौथी बात चौथी बात आका फरमांदे ने वसल्लू बिललैली वन्ना सुनियां मेरे सहाबा दी रात नूं उठ के अल्लाह दी बारगाह च क़याम करिया करो अल्लाह दी बारगाह च सजदे करिया करो नमाज़े तहज्जुद पढ़िया करो मेरी मजलिस अंदर जिन्ने बंदे आए हो नौजवान हो बुजुर्ग हो मेरियां मावां भैणां हो गल सुन लो जिहड़ा भी दुख जे दिल अंदर जिहड़ा भी अरमान जे दिल अंदर जिहड़ा भी गम लैके बैठे हो आंदे हो मौलवी जी दुआ करो दुख दूर होवण मेरी बेटी सुखी नहीं पी वसदी मौलवी जी दुआ करो मेरे को औलाद कोई नहीं मौलवी जी दुआ करो अल्लाह मेरे अब्बू नूं माफ कर दे मौलवी जी दुआ करो अल्लाह मेरी बीवी नूं हिदायत दे दे मौलवी जी दुआ करो मेरे बच्चे नेक बन जाण मौलवी जी जवाब दुआ करो मेरा कारोबार चंगा चल जाए ओए आओ मैं बेहतरीन फार्मूला तुहानूं दे के जावां ऐसा अमल कोई नहीं जे जदों दुनिया सौ जाए तू वुज़ू बना के अल्लाह दी बारगाह जा जाया कर अल्लाह दी बारगाह च सजदे करिया कर मेरे मौला नूं मना कर अल्लाह दुनिया सुती पई है ते मैं तेरी बारगाह च इंतजामा करदा पिया मेरा मौला अद्धी रात नूं पहली आसमान ते आके आप वादा मार दे मंग मेरे बंदे मेरे कोलो मंग मेरे कोलो है कोई मंगण वाला औलाद मंगे मैं औलाद देवां रिजक मंगे मैं रिजक देवां शिफा मंगे मैं शिफा देवां हाय बदकिस्मती नौजवानों बदकिस्मती रात दो दो बजे तक असी नैट ते जनाब अपनी जनाब जवानी अपनी राहत बर्बाद करने ते जिनों अल्लाह नूं मनाण दा वेला हुंदा उदों असी खराटे मार रहे हुंदे आ उदों सुते पे हुंदे आ मैनू दस टेंशन किवें दूर होवण मैनू दस परेशानियां किवें दूर होवण ऐ वेखो जनाब करूना आ गई करूना पूरी दुनिया के डॉक्टर हैरान पूरी दुनिया के प्रोफेसर हैरान कोई दवाई तैयार नहीं हुई कोई इलाज नहीं हो सकता बड़े बड़े साइंसदान बड़े बड़े दावे करते सन अज सारे मिलिया मेड ने कोई इलाज नहीं करूना का जिन्हू लगती है उनकी जान निकल जाती है बड़े बड़े जा रहे ने रोजाना आधार बंदा रोजाना 2000 बंदा दुनिया च लखां की तादाद नाल मर गए बड़ा रौला पिया दुनिया अंदर आंदे ने मस्जिदां बंद कर दियो मदरसे बंद कर दियो कदमां नाल कदम ना मिलाओ बड़ियां बड़ियां अजीब तवीलां जालिमो जिहड़ा काम करन वाले ओ करो ना आओ अल्लाह दे दर ते आओ मनाओ अपने रब नू ज़हर अल फसाद फिल बर वल बहर बिमा कसबत इन्नास और जेड़ी जेड़ी खुशकी और तरी ते जिहड़ा जिहड़ा जुलम फैलिया है जिहड़ियां बीमारियां ते मुसीबतां ने डेरे लाए ने ये तेरे हत्थां दी कमाई है ये तेरे जुलम दा नतीजा है अल्लाह दी बारगाह चू भजन दा नतीजा है अज आ जा मेरे दर ते बीमारी जिड्डी वड्डी लोग आते ने इलाज कोई नहीं इलाज अज कच्ची कोठी दे अंदर है फकीर तेन इलाज दस के पिया जाता है और ऐसा इलाज दसदा पिया वा दुनिया का कोई लीडर एदा इनकार नहीं करेगा कोई है डॉक्टर जिहड़ा आखे इंज नहीं हो सकता नहीं नहीं मेरी इस दवाई का कोई इनकार नहीं करेगा मैं तेन इलाज पिया देना जो दुनिया सौ जाए अद्धी रात नूं उठ के अपने मालिक नूं मनाण लग जा अल्लाह जी मैनू बीमारी तो शिफा चाहिए अल्लाह जी मैनू यार अद्धी रात नूं बंदा दुनियादार दे डेरे ते जाके जनाब ऐन करके खड़ो हो जाए ते उन्हूं दुनियादार दे चोरी नूं आखे चौधरी जी जानदे हो रात दे 2:30 बजे होए ने ते मैं एवें नहीं आया बड़ी मुसीबत है तुहाडे कोल आया ते दुनिया दा चौधरी भी हया करदा जे कि रात 2:30 बजे बंदा आया है ते पता नहीं किड्डा मुसीबत दा मारिया ते मेरा अल्लाह ते सखियां दा सखी है शहनशाहां बादशाहां दा बादशाह है मेरे अल्लाह नूं भी बड़ी हया आंदी मेरा अल्लाह सब तू वड्डा हयादार है
मांग ते सही अल्लाह को गिड़गिड़ाते सही अल्लाह के सामने वसल्लू बिललैली वन्ना सुनियाम अद्धी रात नू कयाम करया करो मेरे सहाबा अल्लाह दी बारगाह अंदर ओ मेरी उम्मत दे लोगो तहज्जुद दी नमाज़ ओ मेरी मेरी मां भैन कारे सकून नहीं तहज्जुद पढ़िया कर बच्चे कहना नहीं मंदे तहज्जुद पढ़िया कर खामद तेरा जनाब हक नहीं अदा करदा तहज्जुद पढ़िया कर मेरी मां भैन तेरे बच्चे ना फरमान हो गए ने तहज्जुद पढ़िया कर घर दे अंदर बरकत कोई नहीं तहज्जुद पढ़िया कर बाबा जी तेरा पुत्र तेरा ना फरमान है तहज्जुद पढ़ के दुआ कर ओ मेरे वीरों नौजवानों अल्लाह अकबर नेक ख्वाहिशात पूरियां नहीं की आंदियां तहज्जुद दी नमाज पढ़ ते मांग कहना दे रब को अल्लाह मैं गुनाहगार हां अल्लाह मैं खताकार हां अल्लाह मेरे पल्ले कोई शय नहीं है पर मालिक हां तेरे सामने कोई मुश्किल नहीं करुणा जिड्डी वड्डी मर्जी बीमारी होवे पर अल्लाह तेरे नालों वड्डी नहीं है अल्लाह मुसीबत जिन्नियां वड्डियां मर्जी होवन पर तेरे नालों कोई मुसीबत वड्डी नहीं मौला तू मेहरबानी फरमा दे मैं दावत देना अरे रब से तौबा करो ना करो ना 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 कह रे खुदा से डरो ना डरो ना कह रे खुदा से डरो ना डरो ना अज़ाबे इलाही का झटका लगा है बड़ा सा नहीं बस जरा सा लगा है बड़ा सा नहीं बस जरा सा लगा है के बोलू उठी दुनिया करो ना करो ना बोलू उठी दुनिया करो ना करो ना अरे रब से तौबा करो ना करो ना अल्लाह दी बारगाह च माफिया मंगिया कर मैं तो माफी दा मौला तलबगार मैं गुनाहगार हाँ मैं गुनाहगार हाँ तू ए मौला गफूर रहीम बड़ा मैं ते कर दे करम तू करीम बड़ा तू करीम बड़ा मेरी बख्शीश चकर साड़ी बख्शीश चकर मेरी बख्शीश चकर मैं खताकार हाँ मैं गुनाहगार हाँ मैं गुनाहगार हाँ तहज्जुद पढ़ अल्लाह नू मना हुजूर फरमांदे ने अफशुस सलाम व अतइमुत ताम वसिलुल अरहाम व सल्लू बिललैली वन्ना सुनियाम ओ मेरी उम्मत दे लोगो जिहड़ा बंदा है चार कम करेगा ओ सलामती दे नाल अल्लाह दी जन्नत दाखल हो जाएगा अल्लाह जन्नत अता करनगे सलामती नाल ए चार काम ए भला औखे काम है ने चार ए कोई एडे एडे ही परेशान कौन काम ने बड़े आसान जे काम ने मेरे भाईओ जे ए करके भी अपना अल्लाह नू ना मना सकीए ते फिर बद किस्मत असी फिर बद नसीबे असी आ मेरे नबी शाहिद बन के आए ने मुबशर बन के काफ़ी देर होगी इंशाल्लाह अगलिया तीन गल्लां हुण मैं अगली बार तुहानू दसणियां ने अज वास्ते इन्ना ही काफ़ी है हजूर की सिफात बयान करो नबी पाक की तालीमात नू आम करो और उन्हां ते अमल कमाओ इंशाल्लाह मेरा मौला तुहाडे ते राजी होएगा दुनिया आखरत दियां भलाइयां लभणगियां अल्लाह कोल दुआ है जो सुनिया सुनाया अल्लाह सानू सारे नू उहदे ते अमल की तौफीक अता फरमाए भाई शाहिद साहब बार बार मैंने एक नज़म का इसरार करते सन चलो किस्मत नाल मुलाकात होगी जे तुसी तंग नहीं तो मैं सुना दें नबी पाक अलैहिस्सलाम नाल वफा करो वफा जिथे कोई काम नहीं आएगा उथे मेरा नबी काम आएगा जदों दिन हशर दे
सवाल होंगे जदों दिन हशर दे सवाल होंगे हामी साडे आमना दलाल होंगे हामी साडे आमना दलाल होंगे जन्नत नू जाएगी सवारी आप दी। अच्छा पिंडो पिंडू हूँ वह बंदा लभ के लियाओ जहाँ का भाबिया नात नहीं पढ़नी वह बंदा भी लभ के लियाओ ना अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजल अल्लाह के करम जिमें असी पढ़ने इंज पढ़ता ही कोई असी जिमें महबूब दियाँ तरीफा करने अल्लाह के फजल इंज करता भी कोई नहीं अल्लाह क्योंकि असी कुरान सुन्नत बयान करना असी वो बयान करना जो कुरान अंदर जो नबी पाक दे फरमान गल सुनो जदों दिन हशर दे सवाल होंगे हामी साडे आमना लाल होंगे जन्नत नू जाएगी सवारी आपदी जन्नत नू जाएगी सवारी आपदी सजे खबे मदनी दे यार होंगे हामी साडे आमना दे लाल होंगे और आपो अपनी सब नू पई होएगी आपो अपनी सब नू पर मदनी नू उम्मत दे ख्याल होंगे मदनी नू उम्मत दे ख्याल होंगे हामी साडे आमना दे लाल होंगे और जेड़े सदा पढ़दे ने दुरूद आप ते जेड़े सदा पढ़दे ने दुरूद आप ते जन्नत विच मुस्तफा दे नाल होंगे जन्नत विच मुस्तफा दे नाल होंगे हामी साडे आमना दे लाल होंगे फकीरा ना आए सदा कर चले सदा खुश रहो हम दुआ कर चले अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب یا الہ العالمین اسی بڑے گنہگار سیاکار اللہ تیری رحمت دی امیدوار مولا سارے دے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما یا اللہ جتنے مسلمان پریشان حال نے سارے دی پریشانیاں دور فرما دے یا اللہ کشمیر فلسطین دے مظلوم مسلمانوں دی غیبی مدد فرما یا اللہ جتنے ساڑے اباؤ اجداد چھوٹے بڑے عورتاں مرد فوت ہو گئے سارے اہل ایمان دیاں قبراں نوں جنت دا بغیچہ بنا یا اللہ سارے تے اپنا کرم فرما یا اللہ بے روزگاراں نوں رزق حلال عطا فرما یا اللہ بے اولاداں نوں نیک اور صالح اولاد عطا فرما اللہ جنہاں نوں دتی اے انہاں دی اولاد تابع دار اور فرما بردار بنا دے اللہ جنہاں دے والدین زندہ نے خدمت دی توفیق عطا فرما اللہ میرے سمیت جنہاں دے امی ابو فوت ہو گئے یا اللہ انہاں دے والدین دی مغفرت فرما دے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا یا اللہ ساڈے والدین ساڈے واسطے بڑا چنگا سوچدے سن ساڈے والدین دی بڑی خواہش سی کہ اسی کسی اچھے مقام تے یا اللہ جے باپ زندہ ہوندا میں نال لے کے آندا میں اپنے کول بٹھا کے گفتگو کردا میرا باپ بڑا راضی ہوندا یا اللہ تیری مرضی تیری رضا تے راضی ہاں پر مولا جویں ساڈے ماپے بچپن سڈے تے شفقت کردے سن انجی تم ہی انہاں تے رحم فرما دے
या अल्लाह साढ़े माँ बाप से राजी हो जा, या अल्लाह सानू अकीदा तौहीद नसीब फरमा दे, या अल्लाह नबी पागल इस्लाम का सच्चा हुबदार और ताबेदार बना दे, या अल्लाह जिन्होंने बेटियां दितियां ने उन्हां दियां बेटियां दे नसीब अच्छे बना, या अल्लाह मेरियां मावां बहनां दियां इज्जत महफूज फरमा ले, या अल्लाह तू सच्चा, तेरा नबी सच्चा, तेरा कुरान सच्चा, अल्लाह लख वार तेरी रजा ते असी राजी हाँ, वाला तू ही साढ़े ते राजी हो जा। अल्लाह इन्ने बंदे ते इस वेले दुनियादार दे डेरे ते जाके माफ़ी मंगण ते दुनिया का चौधरी माफ़ कर देगा। अल्लाह तू ते गफूर भी है, रहीम भी है, करीम भी है, अला कुल शईन कदीर भी है। या अल्लाह तू सानू माफ़ कर दे, या अल्लाह साड़ियाँ औलादा नू नेक बना दे। या अल्लाह जिन्हें मेरे भाइयों अज दे प्रोग्राम का तमाम इंतजाम किया उन्हां दी मेहनत कबूल फरमा ले। या अल्लाह साढ़े दिलों में हसद बुगद नफरत अदावत कीने तासब जैसिया बीमारियां दूर फरमा। या अल्लाह साढ़े दिलों अंदर मुहब्बत अकीदत और उल्फत पैदा फरमा। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनत व फिल आखिरति हसनत व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बि रहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व असहाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।